एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर शुभु लोनकर नाम के शख्स ने एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में कहा गया है कि जो सलमान खान की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा के रखना। इस पोस्ट की मुंबई क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। फेसबुक पर शुभु लोनकर नाम के शख्स के इस पोस्ट में कहा गया कि सलमान खान हमें जंग चाहते नहीं थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस पोस्ट में कहा गया, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा के रखना। पोस्ट में धमकी भरे अंदाज में कहा गया, हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे, हमने पहले वार कभी नहीं किया। सदर पोस्ट में आखिर में हैशटैग भी लगाया गया। हैशटैग लगाकर लिखा गया, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, अनमोल बिश्नोई, अंकित भादू शेरेवाला। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड ने पूरे राज्य में हलचल मचा रखी है, किंतु इस घटना का अकोट अकोला कनेक्शन शुभु लोनकर की पोस्ट के बाद होने के कयास लगाए जा रहे, जिसको लेकर अकोला पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अकोट पुलिस उपविभागीय पुलिस अधिकारी मित्तल के नेतृत्व में लगातार सदर घटना की बारीकी से जांच में जुट हुई है। एक पोस्ट के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो गए कि जिस सोशल मीडिया अकाउंट से यह पोस्ट शेयर किया गया वो शख्स कौन है। सूत्रों के मुताबिक यह फेसबुक हैंडल जिस शुभु लोनकर का है उसका असली नाम शुभम लोनकर हो सकता है। शुभम लोनकर को इसी साल फरवरी के महीने में महाराष्ट्र पुलिस ने अकोला से अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। इसी के बाद पुलिस की जांच में शुभम लोनकर का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सामने आया था। उसने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि उसकी बात विदेश में बैठे लॉरेंस के करीबी अनमोल बिश्नोई से होती है, दोनों वीडियो कॉल के जरिए भी बात करते थे। साथ ही अकोला पुलिस की जांच में उस वक्त शुभम लोनकर ने यह भी कबूल किया था कि उसकी बात वीडियो कॉल के जरिए लॉरेंस बिश्नोई से भी हो चुकी है, जिसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक अकोला द्वारा पत्रकार परिषद लेकर शुभम लोनकर का लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क होने की संभावना व्यक्त की गई थी। महानिवेश 7 के लिए गुलाम मोहसिन अकोला।